नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्त, रूस ने भी दिया धोखा, न गैस देंगे न पैसा, कर लो जो करना है। भारत जापान को सरपास कर रहा है। तो चलिए सबसे पहली खबर पे और बढ़ते हैं। दोस्त, रूस ने भारत को कैसे धोखा दिया है। दरअसल साल 2012 की बात है, जब भारत और रूस के बीच में एक समझौता होता है और रूस की एक कंपनी जिसका नाम है गाजप्रोम, उसके अंदर एक समझौता होता है भारत का कि हम आपको गैस सप्लाई करेंगे, एलएनजी गैस सप्लाई करेंगे। इसी समझौते में एक पॉइंट ये लिखा गया कि कोई भी हालत हो, कोई भी कंडीशन हो, हम गैस की सप्लाई नहीं रोकेंगे। अगर हम गैस की सप्लाई आपको रोकते हैं तो इसके कारण भारत को जो भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे। तो साल 2012 से लेकर साल 2021 के अंत तक इस कंपनी ने भारत को गैस सप्लाई की, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए इस कंपनी ने गैस बंद कर दी भारत को देनी। तो ये क्यों? क्योंकि ये कंपनी जर्मनी से रजिस्टर्ड थी, जर्मनी ने इस कंपनी को सीज कर दिया और इसे बैन कर दिया, तो ये कंपनी भारत को गैस नहीं दे पाई। अब जब इस कंपनी ने अचानक से भारत को गैस देना बंद कर दिया, भारत विदेशी जो दूसरे सप्लायर हैं उनके पास पहुँचा, वहाँ से भारत को मार्केट से 3 गुना महंगे दामों पर एलएनजी खरीदनी पड़ी। क्योंकि एलएनजी को अगर आप किसी देश से लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल पहले उसे बुक कराना होता है, ऐसे ही नहीं मिलती। तो अब भारत को इमीडिएट ज़रूरत थी, तो भारत ने वहां से 3 गुना ज़्यादा तक भी वहां से गैस खरीदी। इसमें भारत का सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। यही चीज़ चलते हुए भारत ने कोर्ट में केस फाइल की इस कंपनी के अगेंस्ट। अब इस कंपनी को या तो हमें $1.8 बिलियन हर्जाने के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने लिखित में दिया हुआ है, या फिर ये हमें भारतीय रुपए में करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए देंगे। अब ये कंपनी कह रही है कि जो गैस हम आपको उस समय नहीं दे पाए वो गैस हम आपको अब दे देंगे, लेकिन उस हर्जाने का क्या, उस नुकसान का क्या जो भारत ने उठाया है और भारत को अचानक से एकदम से दूसरे देशों के पास भागना पड़ा है। इसी चीज़ को देखते हुए भारत अब रुख अपना रहा है कि ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, तो इस कंपनी को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी देशों को कहीं ना कहीं से सप्लाई जैसे भी करके कर रही थी। भारत ने भी यही रूस से गुहार लगाई थी उस समय पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एलएनजी की ज़रूरत थी कि आप अगर हमें गाजप्रोम से नहीं तो कहीं और से गैस दे दीजिए, लेकिन हमारी गैस की ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा गैस की ज़रूरत है हमारे औद्योगिक क्षेत्र को और हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये उस समय नहीं माने। अब भारत दूसरे रुख अपनाने जा रहा है। खैर, भारत के इस कदम पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि देखिए, दुनिया में गोल्ड रिजर्व रखने वाले देश टॉप 10 देशों में भारत आता है। अब जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना होता है उसे उतना ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है, उसका फॉरेक्स रिजर्व उतना ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। भारत में भी अब इसे बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। भारत अभी 9th नंबर पर आता है 817 टन के साथ में, लेकिन भारत धीरे धीरे से 800 से 817 टन पर पहुंच गया है पिछले कुछ सालों में। अब भारत जापान को सरपास करने की कोशिश में है। जापान के पास अभी 845 टन सोना है। भारत बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत जापान को इस काम में पीछे छोड़ देगा। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं जब हमें विदेशी मुद्रा में या सोने में ही व्यापार करना होता है। अब यहीं पे डॉलर का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतनी डॉलर की वैल्यू हमारे लिए कम रहेगी, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। इस हिसाब से हमें गोल्ड रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है और इसे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।